मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ सोशल साइंस विच इज़ बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड 6. सो हम देख रहे थे मेजर रीड जोन्स ऑफ सा अर्थ देख लिया था हमने. आज देखना है लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ओके, तो लॉन्गिट्यूड इज़ डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ फिक्स्ड मेरिडियन कॉल्ड 0° मेरिडियन. तो ईस्ट ऑफ वेस्ट, ओके, उसको क्या कहते हैं, उसे फिक्स्ड मेरिडियन कहते हैं या कॉल्ड 0° मेरिडियन. दे आर सेट और इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम प्लो पोल टू पोल. तो आपने देखा कि ये ग्लोब है, तो इस तरह से जो है वो क्या होता है, लैटिट्यूड, और जो इस ऐसे आएगा है ना पोल पोल के साइड, उसे क्या कहेंगे, वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूड. ठीक है, सो दे आर द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस. ये भी क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस का सेट होती है जो पोल से पोल में की तरफ ड्रॉ होती है. दीज लाइंस फेस द सन टर्न बाय टर्न ऑन अ रोटेटिंग अर्थ. ये जो होता है ये सन की तरफ रहता है, जैसे वो टर्न करता है उसी के साथ साथ ये भी रोटेट करता है. व्हेन अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन, जब कोई एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सन की तरफ होता है, देन द टाइम अलॉन्ग दैट लॉन्गिट्यूड इज 12 noon. तो उस समय क्या होता है, सब 12 noon यानी कि करेक्ट एग्जैक्ट 12 बजे होते हैं. द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे. मेरिडियन जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, मिड डे, यानी कि डे का बीच का, एकदम मिड मतलब हाफ कर दो किसी डे को तो उसका जो मिड पार्ट होता है वो, लैटिन वर्ड में. द वैल्यू ऑफ मेरिडियन इज़ फॉलोड बाई डिग्रीज ई फॉर ईस्ट और डिग्रीज डब्ल्यू फॉर वेस्ट. यानी ईस्ट के लिए हम ई लिखेंगे और वेस्ट के लिए हम कैपिटल W लिखेंगे. द रेफरेंस लाइन सेलेक्टेड एज 0° इज़ नोन एज द प्राइम मेरिडियन. यानी कि जो मेन लाइन चूज़ की गई है 0° की, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. जैसे लैटिट्यूड में हम क्या बोलते थे, उसको इक्वेटर बोलते थे, इसी तरह से जो इसमें मेन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. काउंटिंग ऑफ द मेरिडियंस बीइंग फ्रॉम दिस लाइन्स टू द ईस्ट एंड द वेस्ट. यानी इस ये बीच में इसको सेट कर लिया, अब इसके हाफ में उधर देखेंगे और हाफ में वेस्ट में देखेंगे. ठीक है, ये देखिए जैसे इस तरह से आपको है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ. ठीक है, अनलाइंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल इक्वल इन लेंथ. देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 ऑफ द ईस्ट एंड वन लास्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड 180 ऑफ सेम है, बस वो इक्वेटर के हाफ पे होता था और ये किसके हाफ पे है, मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के हाफ पे होता है. ठीक है, वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन द 0° एंड 180° लॉन्गिट्यूड टुगेदर मेक अ ग्रेट सर्कल सेम एज इट इज़. उसी तरह से है, बस उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज है ना. ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर से जो चलेंगी ये सारी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड, और ये जो पोल से चलेंगी वो क्या कहलाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. ओके, सो ऑल ग्रेट सर्कल्स आर इक्वल. यहाँ सारे सर्कल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन इज़ नॉट द सेम. उसमें क्या होता था, डिस्टेंस सेम होता था, यहाँ पर क्या है, दो मेरिडियन लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा. दे ऑल कन्वर्ज फ्रॉम द इक्वेटर्स टूवर्ड द पोल, है ना. ये क्या होती हैं, ये कन्वर्ज होती हैं कि इक्वेटर की तरफ ये क्या होती हैं, क्लोजर जाती हैं. ठीक है, द 180 मेरिडियन इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. जो वन जो 0° होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दैट इज़ द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, 0° पे होता है. सो जो 180 मेरिडियन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. वाइल क्रॉसिंग दिस लाइन वन हैज़ टू एडजस्ट डेट. जब इस लाइन को आप क्रॉस करते हैं तब क्या होता है, अपने वॉच को या डेट को आप एडजस्ट करते हैं. दिस लाइन इज़ ड्रॉन इन अ zigzag मैनर ऑन मैप्स अवॉइडिंग लैंड एज इज कॉज लीस्ट कन्फ्यूजन इफ इट पासिस थ्रू वाटर, है ना. तो क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पर माउंटेन भी है और रिवर्स भी हैं, तो उन सब में ये क्या होता है कि एक zigzag फॉर्म में वो क्या करती है, क्रॉस करती है. It is with the help of latitude and longitude the place can actually be located on a map or a globe. यानी latitude और longitude की help से भी किसी place को आप actually में किसी map पे या globe पे show कर पाते हो. Okay, so यहाँ पर है next longitude and time. So
लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू मेज़र टाइम, ये हमें हेल्प करता है कि हम टाइम को कैसे मेज़र करें। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स, तो क्या करता है 24 आवर्स में जो है ईस्ट से वेस्ट एक राउंड वो अर्थ रोटेट करता है विथ रेफरेंस टू द सन। किसके रेफरेंस में? सन के रेफरेंस में। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड टू पास थ्रू 136 डिग्री द सर्कम स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लोब, है ना। ये 24 आवर्स में ये क्या करता है, एक रेफरेंस लेकर सन का उसको क्या करता है, राउंड रोटेशन लेता है। अदर वर्ड द सन कवर्स 150 ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 hour and 4 minutes टू पास ओवर ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये सारी कंट्री में क्या है, यही एक्सेप्टेबल है टू लाइन ऑफ द 0 degree लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन कह लीजिए, ठीक है, या उसे क्या कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, या शॉर्टकट में उसे GMT कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू अ वर्ल्ड टाइम, और इसे कभी कभी क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, 0 degree लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन कह लीजिए, चाहे उसी को ग्रीनविच मीन्स टाइम कह लीजिए, या उसको शॉर्ट में दे दीजिए GMT कह सकते हैं, या फिर उसको वर्ल्ड टाइम भी कह सकते हैं। तो वेन 12 noon एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पे 12 noon होता है, द टाइम एट 150 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 1 PM, ठीक है ना, क्योंकि वन आवर में होता है। तो एंड 1 hour अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, हाउएवर 150 वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन द टाइम विल बी बिहाइंड GMT बाय एन 1 hour, है ना। यानी कि ईस्ट में उसको उतना 1 घंटे आगे कर दीजिए और वेस्ट में उसको क्या कर दीजिए, 1 hours लेट कर दीजिए, ठीक है। तो वन विल बी 11 PM। सिमिलरली इट बी मिड नाइट एट 180 लॉन्गिट्यूड, ओके। सो इसका मतलब है कि अगर 12 हो रहा है, ठीक है ना, 12 बज रहा है, तो ये ईस्ट हुआ आपका और ये वेस्ट हुआ, तो इधर 1 hour ऐड कर देंगे, क्योंकि वो क्या करता है, जो मेरिडियन है वो एक लॉन्गिट्यूड में पहुंचने में 1 hour लेता है, और इधर 1 hour ऐड कर देंगे। तो अगर ये बीच में 12 है तो इधर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, और इस टाइप इसको माइनस 1 करना है, यहाँ पर 11 होगा। तो इस तरह से कुछ जो है वो टाइम जो होता है उससे सेट होता है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया है, और अब हम जो नेक्स्ट है इसके बाद देखेंगे।